लगातार हम कर्नल रण सिंह डूडी जी से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मैनिफेस्टो हमारे देश को कैसे आगे लेकर जाएगा, सुपर पावर इंडिया पार्टी हमारे देश को कैसे लेकर आगे जाएगी, इसी पर हम और बात करेंगे। और अगला पॉइंट है मैनिफेस्टो में, सर, रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड ऑनर ऑफ वॉर विडोज। आर पार्टी विल एंडेवर टू मेक अ स्पेशल एक्ट फॉर वॉर विडोज टू गेट देम ऑल एंटाइटल्ड बेनिफिट्स एट देयर डोर स्टेप। Our party will endeavor to make war widows litigation free. War widows will be taken for Charo Dham Yatra, whosoever wants to be. War widows will be taken for seven wonders of world, whosoever wants to be. ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, तभी संप्रभुता बनी रहेगी। और सुरक्षा रहने का एकमात्र उपाय है सेना, जो सीमा पर खड़े होकर अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है। वो तब तक पूरी शक्ति के साथ में युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक उनको ये ना पता लगा कि हमारा परिवार जो हमारे पीछे है, अगर हम शहीद हो गए तो हमारी बीवी को कोई टॉर्चर नहीं करेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सैनिकों का सम्मान करें और वार विडो के लिए स्पेशल एक्ट बनाएं। सबसे पहले आएंगे हम रिट्रीवल ऑफ द स्टेटस ऑफ द आर्मी। ब्रिटिशर्स टाइम पर आर्मी ऑफिसर जो उनमें से कम कॉम्पिटेंट होते थे युद्ध के लिए, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में भेजा जाता था, इसलिए आज भी पुलिस कप्तान कहते हैं एसएसपी को। अब समय बदलता चला गया है, युद्ध कम होने लग गए हैं, सीआरपीसी की पावर पुलिस के पास में है, आर्मी के पास में है नहीं। तो ये देखा गया है कि बहुत सी जगह आर्मी पर्सनल्स को प्रताड़ित किया जाता है, दिस इज एन इंक्रीजिंग। मैं एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ, 26 जनवरी को आर्मी का सेरेमोनियल और वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ एक्स सर्विसमैन को कार्ड मिले, उन्होंने मेडल लगा करके अपने देश के लिए 26 जनवरी पर गए। जो ब्लॉक बना हुआ था वहाँ दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे, ऐसा सुनने में आया है, और उन्होंने कहा कि आप जाइए वापस, वो तो ब्लॉक भर चुका है। अब ब्लॉक भरने के तीन ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि उनके उच्च अधिकारियों ने किसी और को बैठा दिया, उनको बेचारों को नौकरी करनी थी। दूसरा ये है उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया। तीसरा ये उन्होंने रिश्वत लेके किसी और को बैठा दिया। वट एवर इट मे बी, ना तो उन पुलिस वालों ने उस कर्नल ब्रिगेडियर को सलूट मारा, ना उनको बैठने दिया। इससे ज़्यादा डिसग्रंटलनेस हो नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा जो पुलिस मेंटेन करती है, तो हम भी बाहर सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाहर से देश सुरक्षित नहीं है, तो तुम भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। तो ना पुलिस बड़ी है, ना फौज बड़ी है, हर हिंदुस्तानी बड़ा है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा ऊपर है। और शास्त्रों में लिखा, अपनों से बड़ों से सम्मान करो। कहीं भी कोई पुलिस किसी भी दफ्तर में अगर कोई आर्मी अफसर जाता है, ना एसपी ना डीएम, सर कहते हैं उनको सर माती, शास्त्रों में लिखा बड़ों का सम्मान करो। वो तुमसे पहले पैदा हुए थे, पहले क्लास वन के स्टेट अफसर थे, तुमसे हायर स्टेटस में, जब तुम फेल हो जाते तब वो आते हैं। तो हमारा जो स्टेटस 1947 में था, वो जो प्रोटोकॉल लिस्ट है वो जारी होनी चाहिए। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल डीजीपीज एंड द कमिश्नर ऑफ द पुलिस कि वो सर्कुलर इशू करें दैट दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट टू द आर्मी ऑफिसर्स। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिस्पेक्ट टू द पुलिस ऑल्सो एंड सपोर्ट देम व्हेनेवर दे रिक्वायर। वॉर विडोज, बहुत सी वॉर विडोज को ऐसा देखा गया है कि उनको आर्मी की फैसिलिटी तो आर्मी दे देती है, कैंटीन की, मेडिकल की और पेंशन की, लेकिन जो पैसा मिलता है उसमें सास ससुर या परिवार वाले उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लिटिगेशन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आर्मी, वो बेचारे धक्के ही खाते रह जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू लुक इन टू दिस मैटर, टेक प्राइड इन हेल्पिंग देम। और अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए कि वॉर विडोज से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हों उनके लिए एक स्पेसिफाइड कोर्ट हो, इमीडिएट डिस्पोजल हो, पुलिस और प्रशासन को डायरेक्शन हो कि उनके साथ न्याय किया जाए, एंड दे शुड बी अवेलेबल एट देयर कॉल। सो दिस इज हाउ, अगर ये स्पिरिट हमारे अंदर आ गई हर भारतीय की कि सेना का सम्मान करें, वॉर विडोज का सम्मान करें, तो हमारा देश का भविष्य कभी खतरे में नहीं होगा। नोबडी विल डेयर टू अटैक अस एंड वी विल ऑलवेज इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। बिल्कुल सर, लगातार हम वॉर विडोज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे देश के जवान हैं उनके पीछे जो उनकी वाइफ्स होती हैं, उनके बच्चे होते हैं जो वो पीछे छोड़ के जाते हैं, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि किस तरीके से अगर हम शहीद हो गए तो हमारे पीछे हमारे बच्चों को, हमारी वाइफ्स को कौन देखेगा। इस पर सुपर पावर इंडिया पार्टी लगातार चर्चा कर रही है और मैनिफेस्टो में इसको कैसे सही किया जाए, इसको लेकर वॉर विडोज के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। और आगे भी सर इसी का पॉइंट है, आर पार्टी विल एंडेवर टू कलेक्ट फ्रॉम वॉलंटियर्स एंड स्पेंड अप्रोक्स 1 crore टू ईच वॉर विडो टू मेक देम फील मोस्ट प्रिविलेज पर्सन। Our party will endeavor to make war widows a special serial numbered scarf so that
व्हेनेवर दे आर आउट एवरीबॉडी गेट्स अप एंड स्टार्ट क्लैपिंग इन देयर ऑनर। इतिहास इस बात का गवाह है कि पहले वीरांगनाएं अपना सर काट के इसलिए दे देती थी कि कहीं उसका पति कमजोर ना पड़ जाए युद्ध में। उसी का दूसरा रूप, अगर कोई सैनिक सीमा पर खड़ा है और उसको पता है कि देश उसके विधवा का ख्याल रख सकेगा, तो वो उसी भावना और स्प्रिट के साथ में युद्ध करेगा, पूरी शक्ति के साथ में करेगा। अगर हमारी वार विडो हैं तो उनको वी शुड ट्रीट द मोस्ट प्रिविलेज्ड, उनके लिए एक अलग से स्काफ, सीरियल नंबर, टोकन, व्हेन एवर दे पास थ्रू ए पब्लिक प्लेस पीपल विल गेट अप, क्लैप, गिव देम रिस्पेक्ट। और इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि हर वार विडो पर 1-1 करोड़ रुपये खर्च हो। दे शुड बी गिवन बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, फाइनेस्ट ऑफ द होटल, बेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ ट्रैवलिंग, और पूरे वर्ल्ड में 7 वंडर्स उनको दिखाए जाएं, यहाँ धर्म के अनुसार 4 धाम दिखाए जाएं, कोई दूसरे धर्म को मानता है उसको वहाँ ले जाया जाए, और दुनिया में जो भी फैसिलिटीज हो सकती हैं, जो कोई किसी सबसे रईस आदमी को जो फैसिलिटी मिल सकती है, जो सबसे बड़े आदमी को जो फैसिलिटी मिल सकती है, वो फैसिलिटी हम अपनी वॉर विडोज को देंगे, जिससे कि हम पूरे भारत की दूसरे देश भी नकल करें और भारत से कोई भी पंगा लेने की कोशिश ना करें, कि उनकी वीरांगनाओं को ख्याल रखने वाला पूरा देश है और उनके पति शहीद होने को तैयार है, तो उनसे ना लड़ना। सब कहेंगे बच कर ना रहे बाबा, ये हिंदुस्तान है, इसकी सेना मार डालेगी।